आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर की गोल्डन गर्ल सादिया तारिक मौजूद है, जो आज आरिफ भाई ने उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ उनको बुलाया है। सादिया के बारे में मैं बता दूं कि सादिया जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये जो वीडियो जर्नलिस्ट है आज तक के तारिक लोन की एक बेटी है। 15 साल की अभी इनकी उम्र है, लेकिन इनने 15 साल में वो सब कुछ करा दिया है जिसको आप सोचकर शायद हैरत में पड़ जाएं और आप खुद को मतलब अपने आप में गर्व महसूस करने लगे। सादिया तारिक ने हाल ही में मास्को के अंदर वुशु के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले सादिया तारिक नेशनल के 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। रीजनल जितने भी कॉम्पिटिशन है उसमें बेशुमार इन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं। 15 साल की उम्र के अंदर सादिया ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और अब चाइना के अंदर युवा जो ओलंपिक होने वाला है उसमें वुशु को भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। हाल ही में ये यहाँ ट्रायल देने के लिए आई थी जिसमें इनका सिलेक्शन हो गया है। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आप क्लिप बनाकर ताली सादिया जैसे लोग हमारे लिए मतलब ये गर्व का महसूस कराते हैं। सादिया की एक छोटी सी स्टोरी यह भी है कि सादिया ने 3rd क्लास की उम्र से ही ये ठान लिया था कि वो वुशु प्लेयर बनेगी। जब टीवी पर वो वुशु देखती थी तो इनको ये लगा कि मुझे भी वुशु बनना है। बहुत नन्ही सी उम्र में जोखिम वाला और बहुत खतरनाक फाइट वाला ऐसा स्पोर्ट्स को चुनना जाहिर है कम लोग सोचते हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए आमतौर पर वर्जित होते हैं इस स्पोर्ट्स, उस स्पोर्ट्स को सादिया ने चुना और आज इस मुकाम पे इनके अपने डिवोशन, इनकी निष्ठा, इनकी ईमानदारी, इनकी मेहनत ने आज इनको इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि आज आरिफ मसूद साहब इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं आरिफ मसूद साहब से कहूँगा कि आप वो सादिया का इस्तकबाल करें। गोल्ड मेडल लाती है और दूसरे देश में जाके खेल के आती है तो देश को फख्र होता है। आज हम सब लोग फख्र कर रहे हैं कि ऐसी बच्ची भोपाल में आई, जिसकी और ज़्यादा खुशी है, और इसलिए और ज़्यादा खुशी है कि भोपाल से उसका चयन चाइना में होने वाले वुशु गेम के लिए हुआ है। तो पूरी उम्मीद, पूरी दुआएँ भोपाल से बटोर के लेके जाएगी कि जब चाइना में खेलेगी तो पूरी उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लेकर आएगी। अल्लाह इसको कामयाबी दे इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए। एले भोपाल की तरफ से दुआ करते हैं कि मालिक इसको खूब तरक्की दे, खूब खुशी रखे और ये देश का इसी तरह नाम रोशन करे। देखो इस खिलाड़ी में तो मैं समझता हूँ कोई फर्क होता नहीं और बच्ची खेल रही तो अभी बजाय सरकारों के चक्कर में जनता का आशीर्वाद लेती रहे और खेलती रहे वो ज़्यादा अच्छी। खेल विभाग ने भी सम्मान नहीं किया। मैंने कहा ना कि कंट्रोवर्सी में बच्चे का शुरुआती भविष्य, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार भी करेगी। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, ऐसा नहीं है, पीएम ने, पीएमओ ने इसको ट्वीट किया था और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार भी इसकी मदद करेगी। मैंने कहा है मुझे फख्र होगा, खुशी होगी अगर ये बच्ची भोपाल पढ़ने आना चाहती है तो मेरे यहाँ फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है, मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा अगर ये भोपाल आए। अभी मैं भोपाल आई थी साई की सिलेक्शन के लिए, जो एजुकेशन गेम्स की सिलेक्शन हुई साई में, तो अल्लाह का शुक्र है मैं सिलेक्ट हो गई। सो मतलब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उसको बस जो इतना सक्सेस किया मेरे लिए, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना फेल होगा मेरे लिए, तो सो इतना कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच। और अभी मेरे एजुकेशन गेम्स होने वाले हैं जो कि चाइना में होंगे, तो मैं आपसे दुआ करना चाहती हूँ कि मैं इंडिया को और अपने जो भोपाल में आपको पढ़ने के लिए कहा है, क्या क्या सोचा है? मतलब अगर हुआ तो मतलब आई विल कम, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी सर ने तो